no place I'd rather be. And here with you, that's all I need. There's no one I'd rather see. Close to me, that's all I need. If I could stay, हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उर्वशी और आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लाई हूं ऑन ऋषिकेश। फ्रेंड्स, ऋषिकेश में गई थी दिवाली पर दिस साल। तो फ्रेंड्स, ये मैं पहुंच गई ऋषिकेश। कैसे पहुंची ये बाद में बताऊंगी। ये है राम झूला जो मैं ऋषिकेश पहुंचने के बाद देखी, जिसे मुझे क्रॉस करके जाना था गो स्टॉप्स लक्ष्मण झूला के पास जो है वहाँ पर। ये देखिए, ये चीज़ ज़रूर से ट्राई करिए। नारियल थोड़ा महंगा मिलेगा, 70 रुपीस आई गेस, बट पानी ज़्यादा रहेगा नारियल में, तो ज़रूर से पिए। ये रहा राम झूला जहाँ पे सब लोग पिक्चर्स एंड वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऋषिकेश में कैसे गए ये बताती हूँ। मैं गुजरात से दिल्ली गई थी बाई फ्लाइट, एंड देन दिल्ली से मैंने बस की थी ऋषिकेश के लिए। तो बस जो है लिखा हुआ था कि 4 घंटे में पहुंचाएगी ऋषिकेश, जो कि 6 घंटे तो ले ही लिया था। एंड उसमें भी आपको हरिद्वार पे ही बस छोड़ देगी। हरिद्वार से वो क्या बोलते हैं, टुक टुक या ऐसा जो है टुक टुक व्हीकल आपको ऋषिकेश तक लाएगा। ठीक है, फिर ऋषिकेश से मतलब ऋषिकेश पहुंचने के बाद यहाँ तक, जैसे कि राम झूला तक पहुंचने के लिए मेरे पास से एक्स्ट्रा मतलब पैसा लिया गया 150 के करीब आई गेस। ये है मेरा हॉस्टल जो कि है गो स्टॉप्स। गो स्टॉप्स फ्रेंड्स यहाँ पे दो है, एक तपोवन में, एक लक्ष्मण झूले के पास। ये जो मैं ठहरी हुई थी वो थी लक्ष्मण झूले के पास। आप अगर रुकते हैं तो तपोवन में लीजिए, क्योंकि लक्ष्मण झूला के पास पहुँचते पहुँचते आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी अगर आप बहुत सामान कैरी कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा सामान कैरी नहीं करते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चलने के बाद, मेहनत करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची थी। तो पहली एडवाइस जो मैं दूंगी ऋषिकेश जाते हुए, कि आप बाइक रेंट कर लीजिए ऋषिकेश पहुँचते ही, ताकि आपको कहीं पर भी जाने में आसानी रहे। अब फ्रेंड्स, ये बता दूँ, अगर आप गो स्टॉप्स में रुकने वाले हैं लक्ष्मण झूला के पास, तो उसका एड्रेस आपको गो स्टॉप का बोर्ड कहीं नहीं दिखेगा रास्ते में। तो ये मैंने आसपास की जो होर्डिंग्स थी उसका फ़ोटो खींचा, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इसी गली में जाना है। ठीक है, वो ढूंढ ढूंढ के पूछ पूछ के मैं पहुंची थी हॉस्टल। फिर उसके बाद मैं नहा धो के फिर यहाँ पे आई थी बुद्धा बाउल कैफ़े, जो नियर बाय गंगा है। तो यहाँ पे मैं 3 दिन रुकी थी, एंड मुझे याद है मैक्सिमम टाइम्स मैंने यहीं पर खाना खाया है, जो कि बहुत अच्छा भी था, क्वालिटी फूड था बिल्कुल, एंड काफ़ी हेल्दी चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं। तो हेल्थ कॉन्शियस लोगों को मैं ज़रूर से कहूँगी कि ये कैफ़े ज़रूर विज़िट करें। देन फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ जो मैं आपको ट्राई करने कहूँगी यह है रामफल, जो कि मैंने ट्राई नहीं किया था, पर
पर आप ज़रूर से ट्राई करें, ये आपको ऋषिकेश में काफ़ी जगह देखने को मिल जाएगा। देन आफ्टर फ्रेंड्स मैं निकली बाहर घूमने के लिए, कहाँ जाऊँ करके रास्ते में मुझे ये गीता मंदिर मिला। उसके बाद फ्रेंड्स मैं निकली ये त्रिवेणी घाट के लिए, ये पहुँच भी गई त्रिवेणी घाट जो वहाँ से नज़दीक ही था। हालांकि दोपहर के टाइम पहुँची थी, मतलब शाम होने ही वाली थी उस समय पहुँची थी, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस समय तो घाट पे। जैसे कि आपको पता है आरती शाम को होती है तब बहुत भीड़ रहती है, तो मैं शाम होने से पहले पहुंच गई थी। मैं नीलकंठ महादेव टेंपल जाना चाह रही थी, बट उसके बंद होने का टाइम है 5 बजे का। पैदल मार्ग जो है वो आपको ये राम झूला के पास से मिलेगा, बट पैदल मार्ग का जो डिस्टेंस है वो है 8 किलोमीटर। तो मैंने सोचा इतना पैदल मैं नहीं चल पाऊँगी, सो मैंने मतलब मैं पहुँची थी आई थिंक करीबन 4 बजे, तो फिर इट वॉज़ ऑब्वियस मैं 5 बजे तक नहीं पहुँच पाती, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं दूसरे दिन जाऊँगी। तो फिर मैंने बस उस दिन ये राम झूले पे फोटोज़ क्लिक की एंड देन शॉपिंग करने का सोचा। तो मैं शॉपिंग करने के लिए निकली, काफ़ी शौक से मैंने परचेज़ जो किया वहाँ से, मुझे याद है मैंने 3-4 ईयरिंग्स लिए थे क्योंकि मुझे ईयरिंग्स का थोड़ा शौक है। कपड़ों के लिए मैंने देखा बट इतना कुछ मुझे स्पेशल लगा नहीं। एंड किसी जगह मुझे वाइट कुर्तीज़ यहाँ पे काफ़ी मिल रही थी अच्छी, वो पूछने के लिए गई तो पर वो भाई ने बोल दिया कि मैडम आपकी साइज़ का नहीं है। मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी साइजेस अवेलेबल थी, फिर उन्होंने जब बेचना ही नहीं था तो फिर मैं क्यों ज़्यादा फोर्स करूँ, इसीलिए मैंने नहीं ली कुर्ती। ये यहाँ का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है चोटी वाला, जो अभी आपको दिखा होगा, वो आपको दिखेगा आखिर में भी जब मैंने खाना खाया था इस जगह पे। लास्ट डे मैं खाना खाती हूँ चोटी वाला में, जो कि काफ़ी फेमस नाम है मतलब ऋषिकेश में। ये स्ट्रीट्स पे जो कुछ आपको दिख रहा है, मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर से नारियल पानी पिए और रामफल ट्राई कर सकते हैं जो कि मैंने आपको दिखाया। एंटीक चीज़ें भी काफ़ी मिल रही हैं, बट मुझे ऐसा रहता है कि ज़्यादा सामान खरीदना नहीं है ताकि ज़्यादा सामान कैरी ना करना पड़े लौटते वक्त। तो बस मैंने ईयरिंग्स लिया था मुझे याद है, और कुछ भी नहीं। दूसरा मैं कहूँगी कि आरती से पहले पहले जाके घाट पे बैठ जाइए ताकि आपको पूरी आरती देखने को मिले, जो मैं नहीं कर पाई थी किस वजह से वो आपको आगे देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस वक्त आरती होने वाली थी उसी समय कोई पर्सन आके मुझे बोलता है उसकी फ़ोटोज़ खींचना। मैंने भी सोचा कि मेरी भी फ़ोटोज़ खिंचवाती हूँ, बट देन पता नहीं क्या हो गया मेरे फ़ोन को तो फ़ोटोज़ अच्छी आई ही नहीं, तो मैंने आरती भी मिस कर दी एंड कुछ फ़ोटोज़ ले ली। ये फ़ोटो काफ़ी अच्छी आई वैसे, काफ़ी सुंदर, रात को जो है लाइटिंग की वजह से काफ़ी सुंदर व्यू था। तो ये सब देखने में, कैप्चर करने में एंड अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराने में मेरी आरती मिस हो गई वहाँ पे। तो मेक श्योर आप लोग ज़रूर से अटेंड करें, 6:30 to 7 के बीच कुछ आरती होती है यहाँ पे। फिर फ्रेंड्स दूसरे दिन फिर से मैंने बुद्धा बाउल में ही खाना खाया था, दाल राइस ही खाया था, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी था, आप देख सकते हैं मेरी क्वांटिटी से। तो फ्रेंड्स ये है गोस्ट ऑफ्स हॉस्टल का टेरेस, तो जो मेन पर्पस था यहाँ पे रुकने का वो यही था
कि जो हॉस्टल है उसके टेरेस से आप पूरा ऋषिकेश देख सकते हैं। सो द मेन बेनिफिट ऑफ स्टेइंग हियर इज कि टेरेस से आप पूरा ऋषिकेश देख सकते हैं एंड काफ़ी सुंदर सुंदर पिक्स एंड वीडियोस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने सुना, मैं पहले दिन नहीं जा पाई नीलकंठ महादेव क्योंकि टाइम हो जाने वाला था, 5 बजे बंद हो जाता है। सो मैं दूसरे दिन निकली नीलकंठ महादेव के लिए सुबह, जो निकली थी मैं स्कूटी से। एक अलर्ट फ्रेंड्स मैं आपको कर दूं कि ये रास्ते पे काफ़ी बंदर मिलेंगे। सो मैं एडवाइस दूंगी कि आप अकेले स्कूटी से ना ट्रैवल करें तो बेटर रहेगा। फ्रेंड्स, पैदल मार्ग जो था वो 8 किलोमीटर का था, बट अगर स्कूटी या जीप से आप जाते हैं तो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो करीबन आई थिंक घंटा भर लगा था आने जाने में, मतलब आने के लिए घंटा और जाने के लिए 1 घंटा। ये फाइनली फ्रेंड्स मंदिर पहुंच गई मैं, एंड मंदिर काफ़ी गली गली में से होके पहुंचना पड़ता है। एंड यस, लाइक मोस्ट ऑफ द टेंपल्स यहाँ पे वीडियोग्राफी या फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है, तो इसीलिए अंदर का आपको कोई फ़ोटो या वीडियो नहीं देखने को मिलेगा। बट फिर भी आप अगर महादेव के भक्त हैं एंड आपको सुंदर व्यूज़ देखने हैं, पहाड़ देखने हैं, तो फिर आप ज़रूर से नीलकंठ महादेव जाएं, मैं रेकमेंड करूँगी। दूसरी एक चीज़ जो मुझे बुरी लगी वो ये था कि यहाँ पे जो है प्रसाद में वो मिठाई कुछ नहीं मिली, मतलब वो जो रेवड़ी आती है वो तो मिली ही, बट जैसे कि आप लोग पता है मुझे मीठे खाने का शौक़ है, तो वो चीज़ मुझे मिली नहीं। बोला कि जब सीज़न रहता है तब मिलता है करके, तो इसीलिए कुछ प्रसाद में आपको मिठाई मिलेगी नहीं। ये फ्रेंड्स, लौटते वक्त रास्ते में दिख गई हमें नील गाय। ये देखिए, तो खाली बंदरों से नहीं, नील गाय से भी सावधान रहिए। फ्रेंड्स, नीलकंठ महादेव से लौटने के बाद मैं वापस ऋषिकेश गई थी खाना खा, एंड देन मैं निकली सीक्रेट वाटरफॉल के लिए, जो कि मैंने गलत किया क्योंकि नीलकंठ महादेव से सीक्रेट वाटरफॉल मुझे नज़दीक पड़ता था, पर ये लिस्ट में नहीं था। एक्चुअली मैं राफ्टिंग करने वाली थी, बट फिर राफ्टिंग का प्लान मैंने पोस्टपोन किया एंड मैं सीक्रेट वाटरफॉल के लिए निकली। तो यही है वो सीक्रेट वाटरफॉल। ऋषिकेश से इसका डिस्टेंस जो था आई थिंक हार्डली 15 to 16 किलोमीटर्स था, बट अगर आप नीलकंठ से जाते हैं तो आपको नज़दीक पड़ेगा। तो नीलकंठ महादेव से आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं, एंड अगर आप वाटरफॉल प्लान करते हैं तो थोड़ा जल्दी निकल लिए टेम्पल के लिए भी एंड वाटरफॉल के लिए भी, क्योंकि मुझे पहुँचते पहुँचते शाम ऑलमोस्ट होने वाली थी। देखिए, मैं यहाँ पे नहाई भी बट ऑलमोस्ट शाम हो गई थी, तो मतलब जो रिकॉर्ड हुआ वो ऐसा ही हुआ है। एंड फिर अंधेरे में मुझे पहुँचना पड़ा ऋषिकेश, तो थोड़ा आप जल्दी आए तो बेटर रहेगा क्योंकि जो एरिया है वो जंगल एरिया है। बट मैं तो डरी नहीं, अकेली ही थी, फिर भी मैं मतलब कि मैंने मैनेज कर लिया। तो
तो ये है फ्रेंड्स वाटरफॉल के नज़दीक क्या कैफेज एंड स्टे के लिए भी अरेंजमेंट है यहाँ पे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन यहीं के आसपास कहीं स्टे करें। वहाँ पे मैं फ्रेंड्स एडवाइस करूँगी, अगर वाटरफॉल जा रहे हैं तो नहाना तो बनता है, जो मैंने किया भी, तो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स लेके चले। तो फ्रेंड्स ये उस दिन जिस दिन मैं वाटरफॉल गई थी उस दिन मैं नया रेस्टोरेंट ट्राई करती हूँ जो कि बिल्कुल गोस्ट टॉप के एकदम नज़दीक है, ला बेला व्यू करके। तो यहाँ से क्या है कि आप गंगा रिवर देख सकते हैं और नीचे बैठ के खाना खाना है। ये जो है मेनू आपको दिख रहा है, क्या क्या आपको मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। एंड खाना यहाँ का भी टेस्टी था, तो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं बुद्धा बाउल के बाद ये रेस्टोरेंट। अब फ्रेंड्स आज फर्स्ट टाइम मैं वीडियो के बीच में बोलने जा रही हूँ कि अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें, क्योंकि क्या है कि फिर उससे मतलब मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप थोड़ा अपना प्यार दिखाए तो। वरना क्या है मतलब मैं बनाती तो हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, उसके बावजूद थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं जब मूड रहता है टाइम मिलता है वैसे ही मैं अपलोड करती हूँ। बट उस वो मैं करती रहूँ उसके लिए आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, थैंक यू। हाँ फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे ये क्या दिखा रही हूँ मैं, तो इसमें हुआ ये था कि जैसे आप लोगों ने सुना मैं वाटरफॉल गई थी स्कूटी से, तो स्कूटी रेंट की हुई थी। दूसरे दिन मैं स्कूटी ला के गोस्ट ऑफ जो है वो थोड़ी ऊंचाई पे है, तो स्कूटी यहाँ पार्क की हुई थी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पर्सन स्कूटी लेके जा रहा है, ये मेरी स्कूटी है मतलब जो मैंने रेंट पे ली थी, तो चाबी तो मेरे ही पास थी बट स्कूटी लेके ये पर्सन जा रहे हैं। उसके बाद ये पर्सन मुझे पूछते हैं मैडम क्या हुआ, तो मैं बताती हूँ कि मेरी स्कूटी नहीं दिख रही है। तो फिर ये भी ढूंढने आते हैं कि स्कूटी कहाँ है कहाँ है। फिर मुझे ये एडवाइस देते हैं कि बाहर एक होटल था तो उसके कैमरे में ये कैप्चर हो गया होगा, तो यही जो आप देख रहे हैं वो उसी का फुटेज देख रहे हैं। ये फुटेज का टाइमिंग था फ्रेंड्स 3:30 बजे, तो होटल वाले ने एडवाइस किया 3:30 के आसपास जिसने चेकआउट किया होगा मे बी उसी के पास स्कूटी है, तो इसीलिए ये फुटेज लेके मैं गोस्ट ऑफ जा ही रही थी कि देखती हूँ तो गोस्ट ऑफ के बाहर मतलब जो ऊंचाई पे स्कूटी चढ़ा रखी है मेरी स्कूटी वहीं पे मिल गई। तो फ्रेंड्स मोरल ऑफ दी स्टोरीज, अपनी स्कूटी का ध्यान रखें क्योंकि आप रेंट पे लेने वाले हैं स्कूटी। फिर जैसा कि मैंने कहा था शुरुआत में, मैं चोटी वाला रेस्टोरेंट भी ट्राई करी हूँ जो कि यहाँ पे फेमस है, आपको राम झूला के पास मिलेगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने आई थिंक इडली सांभर खाया था जो अच्छा था, टेस्ट तो अच्छा था। ये सिंस 1958 है एंड रेस्टोरेंट्स के बाहर पर्सन बिठा रखे हैं जिसके साथ लोग फोटोज़ और वीडियोस कैप्चर कर रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर आखिरी दिन फ्रेंड्स मैं राफ्टिंग करती हूँ। राफ्टिंग के लिए मैं जब जैसे ही ऋषिकेश एंटर हुई थी, मुझे एक भाई ने अपना कार्ड पकड़ा दिया था कि 650 में राफ्टिंग 12 किलोमीटर। उसके बाद मैं एक शॉप में भी इंक्वायरी की थी, उन्होंने भी 650 में 12 किलोमीटर का बोला था एंड आई थिंक 900 में 15 किलोमीटर्स का। बट ये जो राफ्टिंग मैं कर रही हूँ जो आप देख रहे हैं वो मैं कर रही हूँ 420 रुपये में। 20 रुपये जो है वो जीप वाले को देना रहता है जिसमें बैठ के आप राफ्टिंग का जो स्पॉट है वहाँ तक पहुँचते हो, और बाकी 400 रुपये राफ्टिंग के लगेंगे। तो 420 रुपीज़ में अगर आपको राफ्टिंग करनी है तो आपको लास्ट में एड्रेस दिखेगा मैंने कहाँ से राफ्टिंग करी थी, सनराइज़ राफ्टिंग करके जो है वहाँ पे है, आपको दिखेगी, मैं दिखाऊँगी प्लेस कहाँ पर है। दूसरा अगर आपके पास गोप्रो है गोप्रो ज़रूर से लेके जाए, क्योंकि मेरे ग्रुप में किसी को वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो वीडियो रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो इसीलिए खुद से अपना गोप्रो ले जाए या फिर अकेले राफ्टिंग करें जो कि एडवाइजेबल नहीं है, काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा।
दूसरा मैं एडवाइस करूंगी फ्रेंड्स कि आप एक एक्स्ट्रा पैर ऑफ क्लोथ्स कैरी करें अपने साथ राफ्टिंग करने जा रहे हैं तो, क्योंकि ये लोग तो बोलेंगे कि आप भीगेंगे नहीं, पर ज़रूर से भीगेंगे। ये रहा सनराइज एडवेंचर राफ्टिंग कैंपिंग ट्रैकिंग, यहाँ से मैंने किया था ये राफ्टिंग बुक। जो पर्सन मुझे मिल गया था राम झूले के पास में, एक पर्सन बोल रहा था 400 में राफ्टिंग, तो उन्हीं के थ्रू मैं यहाँ पे गई थी। बट मैंने आपको दिखा दिया कहाँ पे है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।